पहुंचे थे। हाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर, अच्छा हाइपर कंजुगेशन हो गया था ना। हाँ अब हेडिंग डालो मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या डालोगे हेडिंग? मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो जिसको हम लोग एम इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, और ये जस्ट लाइक तुम्हारा क्या है? रेजोनेंस। बात समझ में आया? जस्ट लाइक तुम्हारा क्या है? रेजोनेंस। क्लियर करो, ठीक है। रेजोनेंस में क्या हो रहा था? डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा था क्या? रेजोनेंस में क्या हो रहा था? डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा था, देख रहे थे ना, ठीक है। और बॉन्ड किधर की ओर टूट रहा था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन टूट रहा था, मतलब जो बॉन्ड था, पाई बॉन्ड जो था वो ब्रेक कर रहा था, ठीक है। टूट करके किधर जा रहा था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ठीक है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो टूट करके पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा था, और यदि नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है तो टूट करके उससे दूर जा रहा था। इज दैट क्लियर? ये चीज हम लोग देख रहे थे। मेसोमेरिक इफेक्ट भी सेम है रेजोनेंस की तरह, मेसोमेरिक इफेक्ट भी सेम है रेजोनेंस की तरह। बात समझ में आया? ठीक है, तो फिर फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बात को समझना। यदि यदि किसी कंपाउंड में यदि हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि ऐसा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड तुम्हारा CH2 पॉजिटिव, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2, ये टूट करके इधर जाएगा, क्लियर है ना। सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा? डबल बॉन्ड CH2। इज दैट क्लियर? आज समझ में आया तो हाँ ना कह के कम से कम बोला करो। बात समझ में आया? तब जा करके हमको भी लगेगा हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो फिर इसी में टाइम जाएगा, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। इसमें बताओ रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन कार्बन के अलावा और कोई दूसरा ग्रुप है क्या इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? कोई हेट्रो एटम है क्या? नहीं। तो इसको हम केवल हम लोग क्या कह सकते हैं? रेजोनेंस कहेंगे। ये केवल और केवल तुम्हारा क्या कहलाएगा बोलो? रेजोनेंस कहलाएगा, ठीक है। ये होगा तुम्हारा रेजोनेंस, ठीक है। यदि हम बात कहेंगे कि क्या ये मेसोमेरिक है, तो मेसोमेरिक, मेसोमेरिक नहीं है, ये क्या है? केवल रेजोनेंस, ठीक। लेकिन यदि रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस हो रहा है उस कंपाउंड में, और उस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया हुआ है कोई हेट्रो एटम भी, एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। सपोज दैट, जैसे कि हम मान लेते हैं कि दूसरा जो एग्जांपल लेते हैं, एक ये वाला एग्जांपल हो गया तुम्हारा, ठीक है। एक ये यदि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यानी NO2 ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप आ गया? NO2 ग्रुप। अब क्या कार्बन, अब देखो कंजुगेशन देखो कहां से कहां तक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या कंजुगेशन है? क्या पूरा कंजुगेशन है? तो रेजोनेंस पूरा होगा। बताओ किधर से किधर की ओर बॉन्ड टूटेगा, कहां से टूटेगा बोलो? क्या एन वाला बॉन्ड टूटेगा, और किधर की ओर टूटेगा? ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये यहां टूटेगा, ये यहां। फाइनली जो तुम्हारा आएगा वो क्या बनेगा तुम्हारा? फाइनली जो तुम्हारा आएगा वो बनेगा तुम्हारा CH2, और इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, और डबल बॉन्ड N, ये O पे नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? O। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बताओ क्या रेजोनेंस में NO2 वाला ग्रुप भी पार्टिसिपेट किया है? NO2 वाला ग्रुप पार्टिसिपेट किया है ना, एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लिया है ना वाया रेजोनेंस, ठीक है। देख लो ये वाला जो ग्रुप है तुम्हारा NO2, वो क्या कर रहा है, कैसा एक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया वाया रेजोनेंस, ठीक है। तब हम कहेंगे कि इस कंपाउंड में, इस पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो क्या शो कर रहा है? मेसोमेरिक, मेसोमेरिक, यानी कि मेसोमेरिक बड़ा आसान है। केवल यदि रेजोनेंस हो रहा है और उसमें केवल कार्बन है, ठीक है, कार्बन है तो रेजोनेंस है,
लेकिन कार्बन के अलावा कोई दूसरा भी एटम पार्टिसिपेट किया हुआ है, व्हिच इज हेटरो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड रेजोनेंस एज वेल एज मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस तो वो भी है लेकिन हम उसको एक स्पेशल नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो बताओ क्या हर एक कंपाउंड में जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो मेसोमेरिक होगा क्या? नहीं, लेकिन हर एक मेसोमेरिक वाला। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये लिखो, इसको लिखो, मेसोमेरिक भी है और ये क्या है, रेजोनेंस भी है। ठीक है, हो गया, लिखे। बोलो, लिख लिए? हाँ। उसके बाद लिखो, इतना इधर नहीं लिखना, इधर नहीं लिखे हो, केवल ये लिखे हो ना। हाँ ठीक हो, लिखो। If a hetero atom participate in resonance as a electron donating group or as a electron withdrawing group, if a hetero atom participate in resonance ठीक है, पार्टिसिपेट, ठीक है, इन अ रेजोनेंस एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is known as mesomeric effect। थोड़ा दरवाजा लगा देना, आवाज। is known as क्या लिखोगे? mesomeric effect, full stop। उसके बाद लिखो ठीक है कि resonance, ऐसे लिखो, mesomeric is also called a resonance but reverse is not true। क्या हम लोग रेजोनेंस वाले पार्ट को मेसोमेरिक कह सकते हैं क्या? हमेशा नहीं, हमेशा नहीं कह सकते हैं। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, उल्टा यदि हम बात करें तो वो सही नहीं होगा हमेशा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ में आया? अब देखो जरा सा, ये जो है, ये जो अभी हम बताएं वो केवल एक है। ठीक है, ये हम पहला डिफरेंस बताएं क्या, मेसोमेरिक और, ठीक है, पहला डिफरेंस किसका बताएं हम, मेसोमेरिक का और बोलो रेजोनेंस का। लेकिन एक और, ये बुक में लिखता है, जो अभी हम बताएं वो बुक में लिखता है, लेकिन अब जो बता रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहा हूँ उस चीज को। एक तो डिफरेंस ये हो गया, दूसरा डिफरेंस यदि हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाला, तो देखो जैसे कि एक कंपाउंड हम ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CL, याद है इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी देखे थे, याद है? तो ये मान लेते हैं A है, दूसरा क्या हम लोग बनाए थे, CH2, ठीक है, CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CL, और इस पे क्या आया था, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा B, और CH2 इस पे आया नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये CL इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा हो गया C। ठीक है, बात समझ में आया? यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे इधर की तरफ, यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और वो नेगेटिव क्लोरीन के किस में चला जाएगा, वैकेंट ऑर्बिट में, यानी कि इसके बाद CH2, ये सिंगल बॉन्ड इस पे पॉजिटिव आएगा, और ये तुम्हारा CH, ये नेगेटिव, और ये CL इस पे क्या रहेगा, लोन पेयर, और इसका क्या है तुम्हारा, वैकेंट ऑर्बिट, तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा इसमें, तब क्या बनेगा ये, बोलो समझ में आया? ठीक है, अब वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है, तो वैकेंट डी है तुम्हारा, ध्यान में रखना, सेकंड पीरियड वाला का पी वैकेंट रहेगा और थर्ड पीरियड वाला का डी वैकेंट रहेगा, समझ में आया?
तो अब जब इसका यहाँ पे डी है, समझना, तो जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, 2p में, पढ़े हो ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन किस में, 2p में, और ये जा किस में रहा है, 3d में, जा किस में रहा है, d में। तो जो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये किस प्रकार का पाई बॉन्ड होगा, पी पाई डी पाई का। बोलो समझ में आया, क्लियर है, ठीक। अब देखो ये वाला कैसे फॉर्मड हुआ होगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटा होगा कैसे, इधर की तरफ, ठीक है, और जब इधर की ओर टूटा होगा, इधर की ओर टूटा होगा तो क्या आया होगा, CH2 पे नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव और सिंगल बॉन्ड Cl, और ये क्या है इसका, क्लोरीन का लोन पेयर, लोन पेयर किस में रहता है, उसका p ऑर्बिटल में, खाली है d, लेकिन इलेक्ट्रॉन है किस में, 2p5 बोलते हो ना जी, तो उसी में है, तो है ये 2p, और इसमें इलेक्ट्रॉन किस में है, 2p में, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा फिर, ये बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग से क्या आता है, स्टेबिलिटी आता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो बैक बॉन्डिंग करके ये क्या बन गया, ये वाला, समझ में आया। तो अब यहां जो पाई बॉन्ड बना है वो कैसा पाई बॉन्ड बना है, पी पाई, क्योंकि पी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी पाई, एंड पी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हुआ है, दैट इज कॉल्ड पी पाई डी पाई। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में पी पाई कंसीडर होता है, पी पाई डी पाई नहीं होता है, बात समझ में आया, यानी कि ये वाला जो है ये तुम्हारा क्या शो करेगा, मेसोमेरिक, समझ में आया, बाकी दोनों नहीं कर रहे, क्लियर हुआ। इसमें भी यदि हम बात करें कि कहां पे मेसोमेरिक हो रहा है, तो इसके कारण मेसोमेरिक हो रहा है, दैट इज पी पाई, ठीक है, इतना लेकिन डेप्थ में देखने की जरूरत नहीं है, केवल ये देख लोगे कि कोई ग्रुप लगा हुआ है हेट्रो एटम का कार्बन के अलावा, तो मेसोमेरिक मान लेना, ठीक है, बस ये नॉलेज के लिए तुमको बता दिया हम। ठीक, अब जो मेसोमेरिक जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है, एक जो होता है वो तुम्हारा प्लस एम इफेक्ट होता है, ठीक है, और एक को क्या कहते हैं हम लोग, माइनस एम इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, एक को क्या प्लस एम इफेक्ट और दूसरा क्या माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, वैसा ग्रुप, ठीक है, जो कि क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को रखेगा या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को। प्लस कब आएगा, जब डोनेट करेगा तब, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वाया रेजोनेंस, ग्रुप विच शोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वाया रेजोनेंस, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, और वैसा ग्रुप, ठीक है, विच शोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी, ठीक है, वाया रेजोनेंस, इस वो क्या शो करेगा तुम्हारा, माइनस एम इफेक्ट, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि प्लस एम इफेक्ट वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, प्लस एम कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, और माइनस एम तुम्हारा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये याद रखना, EDG EWG, ठीक है। अब देखो जरा सा, अब एग्जांपल देखो जरा सा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये OH, ठीक है, ठीक। अब बताओ किधर की ओर ट्रांसफर करेगा, ये बॉन्ड किधर ब्रेक करेगा, ये लोन पेयर है तो लोन पेयर से तो दूर भागेगा, ठीक है, तो देखो क्या करेगा, हम डायरेक्ट फाइनल वाला बताते हैं, ये वाला टूट के जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, और फिर अगला वाला किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ,
तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड, और यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव देखेगा तो लोन पेयर इंतजार थोड़ी करेगा, तुरंत क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग, तुरंत क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड CH2 नेगेटिव, बोलो सही है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड O, और इस पे आएगा पॉजिटिव और H, चेक करो, समझ में आया। अब बताओ ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, दो या तीन, तीन। अरे भैया ऑक्सीजन जनरली डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ है, एक यहां और एक यहां पे, कितना, तीन, दो यहां और एक हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज, बताओ ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना, समझ में आया, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो बताओ अब यहां पे ये जो OH लगा हुआ है ये कौन सा इफेक्ट को शो कर रहा है, प्लस M या माइनस M, क्या शो कर रहा है, प्लस M टाइप शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, दैट इज कॉल्ड, ये क्या शो करेगा तुम्हारा, प्लस M, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल जैसे कि हम ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या, इसी प्रकार से हम ले लें, ठीक है, CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड N, ये डबल O और ये ऐसा, तो बताओ किधर की तरफ मूव करेगा ये बॉन्ड, किधर टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, ये जाएगा यहां, ये जाएगा यहां और ये जाएगा यहां, तो फाइनली तुम्हारा क्या बनेगा, CH2 पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N, और ये O पे नेगेटिव और ये O। तो बताओ ये जो O वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो है वो क्या तुम्हारा शो कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, विड्रॉ कर रहा है ना, तो ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो क्या शो करेगा, माइनस है, समझ में आया, ठीक है। और जो हम लोग जो देखने वाले हैं प्लस एम और माइनस एम, वो जनरली किस पे देखने वाले हैं, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव पे, ठीक है। हो गया, लिखो जनरली, स्टार दे करके लिखो जनरली, मतलब जो अपने को पढ़ना है, मेजोमेरिक वाला पार्ट जो अपने को पढ़ना है ना, वो बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव ग्रुप का पढ़ना है, तो लिख लो एक लाइन, ठीक है, जनरली मेजोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ऑन, जनरली मेजोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव ग्रुप, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, ऐसा लिखो, बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो जरा सा कि मान लेते हैं तुम्हारा, ठीक है, समझना समझना क्या हम बोल रहे हैं, ये तुम्हारा बेंजीन है, स्टेटमेंट को भी समझो, ये बेंजीन है तुम्हारा, तो बताओ ये क्या मेजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, क्या मेजोमेरिक कर रहा है, नहीं करेगा, ठीक है, ये तुम्हारा नहीं करेगा, ध्यान में रखना, आंसर क्या होगा, नहीं। तो जो हम कह रहे हैं कि बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव पे वो शो करेगा, तो बेंजीन के ऊपर में वो ग्रुप लगाओ तब शो करेगा, समझ में आया, बेंजीन पे ग्रुप लगाओ तो वो क्या शो करेगा, तुम्हारा मेजोमेरिक आएगा। अब जैसे समझो, जैसे कि इसी पे हम क्या कर रहे हैं कि ये तुम्हारा हम बेंजीन रिंग लिए हुए हैं और यहाँ पे एक हम ग्रुप लगा दिए, दैट इज जी, और किसके साथ, लोन पेयर के साथ, किसके साथ, लोन पेयर के साथ, तो डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे वो लोन पेयर के पास जाएगा या लोन पेयर से दूर भागेगा, लोन पेयर से क्या करेगा, दूर। तो जैसे ही ये यहाँ पे टूटेगा तो ये क्या करेगा, आएगा नीचे, ठीक है, जिससे यहाँ तुम्हारा अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जी पे आएगा पॉजिटिव, चूंकि दान दिया है और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बोलो सही है, ठीक है। आप फिर ये डबल बॉन्ड को दूर भगाएंगे,
दूर भागा, जिससे क्या बना, ये तो वैसा ही रहेगा, ठीक है, ये तुम्हारा ऐसा और ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर इसको क्या करो, दूर भगाओ, ये टूट करके यहाँ पे, जिससे ये क्या बनेगा, जी पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये कुछ इस प्रकार से, और निगेटिव चार्ज तुम्हारा यहाँ पे, ये ऐसा और ये ऐसा, समझ में आया। और दोबारा यदि हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेम वैसा ही। तो बताओ आर एस कितना बना, आर एस बराबर 4, इज दैट क्लियर। और आर एच बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो लिख दो। तो जी के साथ सिंगल बॉन्ड कॉमन था बेंजीन रिंग, और डबल बॉन्ड सब जगह था, यहाँ भी था, समझ में आया। डबल बॉन्ड जहां जहां गया है क्या कर दिए, डॉटेड, ठीक है। और जी पे क्या आया है, पॉजिटिव, तो दिए डेल्टा पॉजिटिव। और बाकी ऑर्थो पे क्या आया, डेल्टा नेगेटिव। और पैरा पे क्या आया है, डेल्टा नेगेटिव। अब बताओ ये जो ग्रुप है जी, वो क्या शो कर रहा है, प्लस एम या माइनस एम, प्लस एम, अंडरस्टूड। ये क्या शो कर रहा है तुम्हारा, प्लस एम। तो ध्यान में रखना, यदि लोन पेयर वाला है, ठीक है, निगेटिव चार्ज वाला है, तो ये तुम्हारा जनरली क्या शो करेगा, प्लस एम, क्योंकि रहेगा तब ना देगा, रहेगा तब ना देगा, क्लियर है। अब इसके बाद भी यदि माइनस चार्ज, ठीक है, दो हो जाए, तीन हो जाए, ठीक है, माइनस चार्ज दो, कहीं मान लो कोई कंपाउंड में दो माइनस चार्ज है या तीन माइनस चार्ज है, तब कौन पहले शो करेगा, तो जो ज्यादा अनस्टेबल रहेगा वही शो करेगा, क्योंकि रेजोनेंस में आने के बाद, मेसोमेरिक में आने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो जितना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा वो पहले आएगा किसमें, मेसोमेरिक में, या यू कहें तो रेजोनेंस में, और अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल, ठीक है, वो तो हम करवा देंगे, लिखवा देंगे। फिलहाल अभी तुम ये लिखो कि निगेटिव चार्ज और तुम्हारे पास लोन पेयर नजर आ रहा है, तो वो क्या शो करेगा, प्लस एम, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, ठीक है, डायरेक्टली अटैच किससे, तुम्हारा बेंजीन रिंग से है, क्या शो करेगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, अब देखो जरा सा यहाँ पे एक यदि और बात हम यदि कहें कि जो प्लस एम लगा है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का बढ़ा रहा है या घटा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का प्लस एम वाला बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग है तो बढ़ाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेसोमेरिक सब जगह बराबर होता है, चाहे ऑर्थो पे हो चाहे पैरा पे हो, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बेंजीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन रिंग का बढ़ेगा, मेसोमेरिक सब जगह बराबर होता है। लेकिन हम ये कहें कि किस किस पोजिशन पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो क्या बोलोगे, ऑर्थो एंड पैरा। देखो निगेटिव कहाँ आया है, आर एच में, देखो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, समझ में आया। तो बात ध्यान में रखना कि प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज, सॉरी, अ ग्रुप विच शोज प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है, ये बना लिए। ये हो जाने के बाद लिखो फिर, और सीट बनाओ, ठीक है। इधर अभी मत लिखना, वो हो जाएगा फिर लिखवाएंगे। हो गया, लिखो अ ग्रुप विच शोज प्लस एम इफेक्ट, अ ग्रुप विच शोज प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, अ ग्रुप विच शोज प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, शोज प्लस एम इफेक्ट विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन, एट ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन, एट ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिए ना, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, हाँ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मेटा पे तो कम हो जाएगा ना, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। अब देखो इस तरीके, अब ये वाला ग्रुप देखो तुम्हारा, अब क्या लगा हुआ, सी पे डबल बॉन्ड ओ,
सी पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ, तो बताओ बताओ बॉन्ड किधर की ओर टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ या फिर सी की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है तो किधर टूटेगा। हाँ तो सब जगह वैलिड है भाई, ऐसा थोड़ी है कि इस यहाँ पे नहीं होगा, तो ये टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये वाला डबल, ये कार्बन पे क्या आएगा बोल, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव ठीक है, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, तो ये कार्बन पे जब पॉजिटिव आएगा तो ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ जाएगा या पॉजिटिव से दूर जाएगा, तो ये किधर टूटेगा, इधर, अंडरस्टूड ठीक है। तो जो अगला जो है वो स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, ये सी ओ पे नेगेटिव, ये आएगा तुम्हारा एच, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये देखो ऐसा, और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये ऐसा और ये ऐसा, इज दैट क्लियर, बनेगा क्या ठीक है। अब डबल बॉन्ड को किधर भगाओ, पॉजिटिव की तरफ, यानी क्या बनेगा सी ओ पे नेगेटिव, ये रहेगा एच ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग ठीक है, और इसमें तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ, फिर ये यहाँ आएगा ठीक है, जिससे बनेगा सी ओपन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये रहेगा तुम्हारा रिंग, और रिंग में ये हो जाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ठीक है। अब देखो, अब अगले बार करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसका आर एच कितने बने, सॉरी आर एस रेजोनेंस हाइब्रिड, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, फोर, और रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन है वो लिखो, कॉमन तो यही नजर आ रहा है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो सब जगह दे दिए ठीक है, देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा और यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा, इज दैट क्लियर, होगा ना। अब बताओ कहाँ कहाँ पे चार्ज आ रहा है, एक ऑक्सीजन पे आ रहा है डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे आ रहा तुम्हारा ऑर्थो पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव एंड यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, तो बताओ ये जो ग्रुप लगा है बेसिकली सी एच ओ, ये कौन सा ग्रुप है, सी एच ओ है ना, एल्डिहाइड वाला सी एच ओ, तो ये तुम्हारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यस, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शोस माइनस एम, विच डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एट कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा, यस, मेसोमेरिक सब जगह बराबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कम है, कहां ज्यादा हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां का घटा दिया है, ऑर्थो पे और पैरा पे ठीक है। तो इसको बनाने के बाद फिर लिखना कि द ग्रुप विच शोस, द ग्रुप विथ शोज माइनस एम इफेक्ट ठीक है, माइनस एम इफेक्ट, इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ठीक है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ठीक है। और समझना, कहीं पे यदि तुमको बेंजीन रिंग से लगा हुआ ठीक है, बेंजीन रिंग से लगा हुआ तुम्हारा ये जो तुम्हारा जो ग्रुप रहेगा ना, कार्बन, कौन रहे, कार्बन, और कार्बन जो है डबल बॉन्डेड रहे ठीक है, कार्बन जो है डबल बॉन्डेड रहे किससे, मान लो कोई एक्स है उससे, और एक्स क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन, समझ में आया, यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, यानी कि 2.5 से ज्यादा है ठीक है, तब जाहिर सी बात है कि वो डबल बॉन्ड किधर टूटेगा, एक्स की तरफ, और एक्स की तरफ यदि टूटेगा तो फिर वो क्या शो करने लगेगा, माइनस एम, समझ में आया, यानी कि यदि बेंजीन रिंग से लगा हुआ कार्बन डबली बॉन्डेड है किससे, एक्स से, जो भी है एक्स वाई से, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो किधर टूटेगा, इधर, इसका मतलब वो जो ग्रुप है वो क्या शो करेगा, माइनस एम ठीक है, क्या शो करेगा तुम्हारा, माइनस एम, देख लो जी, समझ लो, वहां क्या बताया था, लोन प्योर और नेगेटिव चार्ज है तो क्या शो करेगा, जनरली प्लस एम, और ये ऐसा नजर आया तो क्या शो करेगा, माइनस एम, समझ में आया। और यदि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली इस बेंजीन रिंग से ठीक है, तुम्हारा जो भी एक्स है यानी कार्बन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इस रिंग को इधर की ओर टूटना पड़ेगा, और वो भी क्या शो करेगा तुम्हारा, माइनस एम ठीक है, ये क्या शो करेगा तुम्हारा, माइनस एम, ये आ जाए या फिर वैकेंट ऑर्बिट वाला कोई ग्रुप आ जाए तो क्या शो करेगा, माइनस एम ठीक है।
ये पहचानने का शॉर्टकट तरीका बता दिए। ठीक है, चलो जी ठीक है, क्वेश्चन भी कर लो या एग्जांपल समझ लो। ठीक है, क्या करना है तुमको, प्लस एम एंड माइनस एम बताना है। ठीक है, इसका नाम क्या है, फेनॉल। ठीक है, NH2। इसका नाम क्या है जी, क्या पढ़े हो, एनिलीन। इतना जल्दी मत भूलो, अभी नोमेनक्लेचर का टेस्ट भी है। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा, NH और ये R रहेगा जी, क्या हो जाएगा, N सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होगा ना। ठीक है, अब ये रहे N और ये रहे तुम्हारा R और ये रहे R, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, एन एन डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना, एनिलीन। देख लो जी, ठीक है, इसका भी नाम है फेनोक्साइड आयन। क्या हो जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड, ये बताओ नाम क्या होगा, सल्फोनिक एसिड है ना। ठीक है, इसका नाम था नाइट्रोसो ग्रुप है ना जी, ये हो जाएगा नाइट्रोसो बेंजीन। ये क्या होगा, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एसिटोफेनॉन। बेंजोफेनॉन, एसिटानिलाइड। ठीक है,
फेनाइल एसीटेट, कौन सा ग्रुप है? ईस्टर है जी, देख लो, पहचानो ईस्टर है ना। साइनोबेंजीन, चलो जी बताओ। चलो करें, ठीक है। चलो जी बताओ, जो बताएं शॉर्टकट पहचानने का तरीका, उसके अनुसार तुम्हारा क्या होगा? फेनॉल क्या उसमें OH जो लगा है क्या शो करेगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम या माइनस आई, सॉरी प्लस एम या माइनस एम? समझ में आया? ये क्या शो करेगा तुम्हारा? प्लस एम। ये क्या शो करेगा? अरे कुछ नहीं, लोन पेयर है, मुझे प्लस है, उतना का टेंशन लेना है। ठीक है, ये बताओ ये क्या शो करेगा, ये क्या शो करेगा? अरे बोलो भाई, प्लस एम करेगा ना, ये क्या शो करेगा, ये क्या शो करेगा? ठीक है, ये क्या शो करेगा? माइनस। कार्बन देखो डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन इट इज कॉल्ड माइनस एम। ठीक है, ये बताओ तुम्हारा क्या शो करेगा, करेगा ये बताओ क्या करेगा? सल्फोनिक एसिड। ये बताओ, ये प्लस एम भी है और माइनस एम भी है, प्लस एम विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर और माइनस एम विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट है। ये बताओ माइनस एम, ये बताओ माइनस एम, ये बताओ माइनस एम, ये बताओ प्लस एम। रे भाई माइनस एम का लोन पेयर है, ये बताओ प्लस एम है ना, ये बताओ माइनस एम। ठीक है, और ये बताओ माइनस एम। समझे? बोरोन का वैकेंट ऑर्बिट होता है ना, बताया ना, तो बोरोन का वैकेंट, अरे वो वाला रेजोनेंस पढ़ा था ना, बोरोन वाला बीच में आया था, तो वही तो है बोरोन ना, तो वैकेंट ऑर्बिट होगा, और वैकेंट ऑर्बिट तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज की तरह यहाँ ट्रीट होने लगेगा, तो ये ऐसे जो है वो टूट के इधर की ओर जाएगा, तो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा। ठीक है, विद सोर्स माइनस एम इफेक्ट। तो देख लो जी, ठीक है, अब एक जो है तुम्हारा स्पेशल केस है, इधर लिखिए, ठीक है।
ध्यान में रखना। स्पेशल केस, स्पेशल केस में तुम्हारा क्या बोल रहा है ना कि जैसे यहाँ एफ है ना, एफ तुम्हारा क्या शो करेगा, प्लस एम या माइनस एम? ध्यान से समझो, बोलो एफ क्या शो करेगा, प्लस एम या माइनस एम? प्लस एम शो करेगा, ठीक है। इसका तुम्हारा क्या हो रहा है, प्लस एम, लेकिन ये माइनस आई भी तो शो करता है ना, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आया? तो नेट क्या होगा, ये ले भी रहा है और दे भी रहा है, तो फाइनली इसका क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल जो है वो फाइनली तुम्हारा जो नेट जो होता है वो इसका माइनस आई होता है, ग्रेटर देन, सॉरी माइनस आई जो रहेगा वो तुम्हारा हम लोग कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करेंगे, माइनस आई। बात समझ में आया, क्या कंसिडर करेंगे, माइनस आई। समझ में आया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है देखो, उसके बाद फिर और एक चीज डिस्कस करेंगे। कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, क्या कंपेयर करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ठीक है। ऑप्शन ए में तुम्हारा है एफ और उसके साथ है बेंजीन रिंग, ऑप्शन बी में है तुम्हारा सीएल उसके साथ तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है, सी में है तुम्हारा CH3 उसके साथ तुम्हारा बेंजीन रिंग, और डी में है तुम्हारा केवल और केवल बेंजीन रिंग। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा, कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, जल्दी फटाक से बोलो। बोलो जी, बोलो। ये देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा फ्लोर, ये एफ क्या शो करता है तुम्हारा, ये सबसे पहले ये देखो CH3 क्या शो करेगा, बोलो प्लस आई। अब यहां सब मिल रहा है, तुमको याद होना चाहिए कौन क्या शो कर रहा, नहीं याद रहेगा तो फिर क्या आएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ तो ये ध्यान रखना, यहाँ ये क्या शो करेगा, प्लस आई। अब प्लस आई क्या करता है, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरो देखना, एरो क्या करेगा, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां कोई नहीं है, एफ और सीएल जो लगे हुए वो क्या शो करेंगे, माइनस आई, ठीक है, और माइनस आई क्या करेगा, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज दैट क्लियर। मीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, सी के पास है, ठीक है, और सबसे कम किसके पास है, डी, नहीं डी के पास तो न्यूट्रल है, यानी डी कहां आएगा, सी के बाद डी यहां आएगा, उससे तो ना कोई ले रहा है और ना कोई दे रहा है, लेकिन इससे तो वापस लेने लग रहा है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन का। बात समझ में आया, ठीक है। और इसके बाद जो आंसर आ रहा है वो आना क्या चाहिए तुम्हारा, क्या आना चाहिए, बी, क्योंकि माइनस आई यदि तुम देखोगे फ्लोरीन का तो ज्यादा होता है किससे, क्लोरीन का, ठीक है, माइनस आई ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन द क्लोरीन, तो तुम्हारा माइनस आई से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका ज्यादा होना चाहिए तुम्हारा, क्लोरोबेंजीन का, किससे, क्लोरोबेंजीन से, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं इससे, यहां होता क्या है कि फ्लोरोबेंजीन
इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन द क्लोरोबेंजीन, हमेशा याद रखना, नोट में लिखो, अभी एक्सप्लेन भी करते हैं पूरे को, ठीक है, कि फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन क्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन को मोर इलेक्ट्रॉन रिच पाया गया है पूरे कंपाउंड को, ठीक है, पूरे कंपाउंड को मोर इलेक्ट्रॉन रिच पाया गया है देन बोलो क्लोरोबेंजीन। अब समझो ऐसा क्यों, कैसे हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करो, है तो एक्सपेरिमेंटल लेकिन फिर भी हम तुमको समझा रहे हैं। ठीक, अब देखो जैसे कि यहां पे हम क्या लिए हैं, तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन है, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन है, इज दैट क्लियर, और यहां पे हम क्या लिए हैं, तुम्हारा क्लोरोबेंजीन है, समझ में आ रहा है, ये क्या है क्लोरोबेंजीन। अच्छा प्लस एम की यदि हम बात करें, प्लस एम तो किसका ज्यादा होगा, प्लस एम किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का या क्लोरीन का, फ्लोरीन का, क्यों फ्लोरीन का, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है तुम्हारा 2p में, और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन 2p में, इसका 3p में और इसका 2p में, तो नाली की कहानी हो जाएगा, नाली का साइज किसका ज्यादा 3p 2p का, और इसका क्या होगा कम होगा, ठीक है, तो प्लस एम पहले इलेक्ट्रॉन पहले देगा कौन, फ्लोरीन देगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना ये बात, क्या तुमको समझ में आ रहा है कि प्लस एम ऑफ, ठीक है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा क्लोरीन, क्लियर है, फ्लोरीन का ग्रेटर होगा क्लोरीन से, और दूसरी बात क्या पॉइंट समझ में आ रही है कि माइनस आई ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ये भी क्लियर है कि माइनस आई जो होता है फ्लोरीन का ज्यादा होता है किससे, क्लोरीन से, लेकिन उसके बावजूद जो है बोलता फ्लोरोबेंजीन मोर इलेक्ट्रॉन रिच है देन क्लोरोबेंजीन। अब समझो यहाँ क्या है, अब हम इसको एक कंसिडर करके एज्यूम करके बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे, तो मान लेते हैं क्या बोला, फ्लोरोबेंजीन का प्लस एम ज्यादा होना चाहिए, सॉरी फ्लोरीन का प्लस एम ज्यादा होता है किससे, क्लोरीन से, तो हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है 14 यूनिट से, कितने यूनिट से 14 यूनिट से, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है 12 यूनिट से, कोई प्रॉब्लम क्या, फर्स्ट जो है हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर किया कितने यूनिट से, 14 यूनिट से, ठीक है, यानी कि वो क्या हो गया माइनस आई, ठीक है माइनस आई, अब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है दे रहा है, ठीक है, तो दे रहा है ये 12 यूनिट से, ठीक है, दे कितने रहा है 12 यूनिट से, और ये इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है एक तरह से समझो 6 यूनिट से, एक सेकेंड, ये प्लस एम ना तो उल्टा कर दिए हम, प्लस एम का तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना, दोनों उल्टा लिख दिए हम, ये वाला इलेक्ट्रॉन माइनस आई, अच्छा ठीक है, इसी को मान लो तुम क्या हो जाएगा माइनस आई, तो माइनस आई ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा क्लोरीन, और ये क्या हो जाएगा प्लस एम, प्लस एम ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन तुम्हारा, समझ में आया, क्लियर है, यानी कि ये बेसिकली हम किसका लिख रहे हैं, ये वाला चीज किसका है तुम्हारा माइनस आई का, ठीक है, ये किसका है तुम्हारा माइनस आई का, लेकिन ये किसका लिख रहे हैं हम लोग प्लस एम का, और ये किसका लिख रहे हैं प्लस एम का, बोलो बोलते रहे प्लस एम फ्लोरीन का ज्यादा, हाँ भाई ज्यादा है, बट द डिफरेंस ऑफ माइनस आई इज लेस एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लस एम इफेक्ट इज वेरी हाई। देखो प्लस एम इफेक्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन माइनस आई का डिफरेंस क्या बहुत कम है, स्लाइटली है, तो यदि हम यहां नेट देखेंगे, नेट यदि हम देखेंगे तो नेट क्या आएगा माइनस आई, नेट तुम्हारा क्या आएगा माइनस आई, क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा, यहां भी नेट तुम्हारा क्या आएगा, नेट क्या आएगा माइनस आई, लेकिन यदि यहां पे बात करें हम तो ये ले रहा है 14 यूनिट से और दे रहा है कितना 12 यूनिट से, तो इसके पास यानी कि यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है लेकिन कितने यूनिट से 2 यूनिट से, समझ में आया, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है लेकिन कितने यूनिट से 6 यूनिट से, समझ में आया, क्लियर है हम क्या बोले,
दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग है, लेकिन ये कितने यूनिट से हो पा रहा है? 2 यूनिट से, और ये कितने यूनिट से हो पा रहा? 6 यूनिट से। तो बताओ विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिचर? फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन द क्लोरोबेंजीन। अंडरस्टूड? समझ में आया ये पॉइंट कि क्यों हम कह रहे हैं कि माइनस आई ये भी शो कर रहा है, ये भी नेट क्या है? माइनस आई। देखो दोनों का नेट क्या है? माइनस आई। लेकिन चूंकि प्लस एम का डिफरेंस बहुत ज्यादा है दोनों में, दैट्स व्हाई ये ले रहा है, विड्रॉ करेगा लेकिन केवल 2 यूनिट से, और ये भी विड्रॉ करेगा लेकिन ये 6 यूनिट से विड्रॉ करेगा। बोलो बात समझ में आया? दैट्स व्हाई फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन द क्लोरोबेंजीन। ये यहां पे आएगा, ये रहा तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, और ये याद रखना नहीं तो गड़बड़ होगा फिर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। तुम लोग अभी किस चीज का रिवीजन क्लास चल रहा है? अगले बार हो सकता है केमिस्ट्री चलेगा, केमिकल नहीं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, करके आना, अपना पढ़ के आना, रिवीजन करवाएंगे। मेनली उसमें क्या पढ़ करके आओगे? हिस्ट्री वगैरह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेंडलीव से पढ़ के आना, उससे पहले भी यदि पढ़ सको तो तुम पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। मेंडलीव का जरूर पढ़ना अच्छे से। ठीक है, देन उसके बाद तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, कैसे कैसे सारा एलिमेंट्स को याद रखेंगे, ग्रुप को कैसे याद रखते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया है तो उसका पोजीशन कैसे पता करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से, और किसी का यदि एटॉमिक नंबर दिया है तो उसका पोजीशन को कैसे पता करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उसका जो पुराना वाला जो नाम है, अन वाला जो है ना, वो वाला भी इस बार एग्जाम में उसी से रिलेटेड पूछ दिया था एक क्वेश्चन, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ दिया था। ठीक है, तो ये भी कहकर छोड़ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूछ देगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक में देख लेना। ठीक, उसके बाद तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे तुम्हारा आ जाता है कौन सा, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एन्थैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। ठीक है, मतलब जितना पूरा रिवीजन तुम करके आना तब यहाँ पे रिवीजन करवाया हुआ तुमको समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज का तुम्हारा क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। ठीक है, जैसे CH2 नेगेटिव, ए है तुम्हारा। ठीक है, ये बी है तुम्हारा NH नेगेटिव, और ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, और सी है तुम्हारा ओपे नेगेटिव, और ये बेंजीन रिंग। बताओ क्या होगा? सब पे नेगेटिव है ना, तो हम क्या बोले, नेगेटिव कौन देगा पहले? अच्छा, पहले तो ये समझो कि यदि हम बात करें, इस चीज को ऊपर लिख लेना। ठीक है, हम बात करें नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर दोनों यदि अवेलेबल है तो प्लस एम यानी डोनेट कौन करेगा, नेगेटिव वाला या फिर लोन पेयर वाला? बोलो, नेगेटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव इसका है क्या, दुख, लेकिन लोन पेयर दुख थोड़ी है, वो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन नेगेटिव क्या उसका, दुख। तो पहले हल्का क्या करेगा, दुख ना अपना, तो पहले पार्टिसिपेट कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया? क्योंकि नेगेटिव क्या उसका, दुख, अनस्टेबिलिटी को बताता है। समझ में आया? अच्छा, यदि नेगेटिव चार्ज जो है वो तुम्हारा 2 है, मतलब दो जगह है। ठीक है, दो जगह पे नेगेटिव चार्ज है, या फिर मान लो 3 जगह पे है। ठीक है, अवेलेबल ऑन 2 डिफरेंट प्लेसेस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अवेलेबल ऑन 2-3। ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, दो या दो से ज्यादा जगह पर यदि नेगेटिव चार्ज है, सपोज दैट मान लो, तो फिर रेजोनेंस, फिर यानी कि कौन होगा बताओ, तब फिर कौन शो करेगा,
कौन सा शो करेगा? जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो। अनस्टेबिलिटी मतलब क्या? दुख। तो हम ये देखेंगे कि किसका नेगेटिव सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, समझ में आया? देन मोर अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज देन मोर अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट फर्स्ट। ऐसा कर देते हैं। इन या सोच कर दे क्या? नेगेटिव चार्ज सोच मेसोमेरिक इफेक्ट। चलो ना, सेम है, बात एक ही है। फर्स्ट इन रेजोनेंस और मेसोमेरिक। समझ में आया? तो ये भी चीज ध्यान में रखना, यदि दो तीन निगेटिव है तो पहले कौन जाएगा या पहले स्टेबलाइज किसको करेंगे? तो जो ज्यादा अनस्टेबल होगा उसको, उसी को देंगे जिसको जरूरत है। तो चलो बताओ अब कैसे करोगे? प्लस एम कौन ज्यादा शो करेगा? देखो सारा निगेटिव चार्ज है और सारा निगेटिव चार्ज यदि तुम ध्यान से देखोगे तो ये सारे सेम पीरियड के हैं। क्या सेम पीरियड है? और सेम पीरियड के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? स्टेबल। स्टेबल किस पे है? समझ में आया? अनस्टेबल किस पे है? तो पहले रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा? अरे बोलो, CH2 वाला, क्योंकि वही अनस्टेबल है। तो यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? A greater than B greater than C। समझ में आया? ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट लिखना। और बगल में क्या लिखोगे? हाँ, इसके बिना भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा कौन सा होगा? CH2 नेगेटिव। देन उसके बाद कौन सा होगा? अभी जो पढ़े हैं NH नेगेटिव। देन उसके बाद क्या होगा? O नेगेटिव। देन उसके बाद NH2 लोन पेयर है, देखो इसके पास। देन उसके बाद NHR लोन पेयर है इसके पास। देन उसके बाद NR2 लोन पेयर है इसके बाद। ठीक है, देन उसके बाद तुम्हारा होगा OH। ठीक है, ग्रेटर देन डैश OR, ग्रेटर देन तुम्हारा हो जाएगा डैश N लोन पेयर C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा तुम्हारा CH3। उसके बाद एमाइड है ना, कौन सा ग्रुप है? एमाइड। ठीक है, और उसके बाद O, ये C डबल बॉन्ड O, और ये देखो CH3, ये ईस्टर ग्रुप लगा हुआ। ठीक है, ये सारा क्या शो करेगा तुम्हारा? क्लियर है? और ध्यान में रखना OH और OR क्या शो करता है? -I शो करता है ना, देख लो जरा सा, -I भी शो करता है वो लोग। तो ध्यान में रखना, अब वहां भी ऑर्डर ध्यान में रखना, तो गड़बड़ हुआ तो फिर होगा। क्लियर है? अब उसके बाद ऑर्डर ये लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -M। ठीक है, ऑर्डर ऑफ -M इफेक्ट। ठीक है, -M तो -M का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ कौन करेगा? जो डेफिशिएंट होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला बताए थे, और कौन बताए थे? कार्बन। कार्बन कार्बन किससे डबली बॉन्डेड है? किससे? ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से। ठीक है, यानी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बताए थे ना, तो वो चीज ध्यान में रखना। यानी यहां -M के लिए सबसे पहले कौन आ जाएगा तुम्हारा? डैश CH2 पॉजिटिव। ठीक है, डैश CH2 पॉजिटिव। उसके बाद आएगा डैश NO2 डैश C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, देन डैश C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, देन C डबल बॉन्ड O कीटोन,
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड, एटलीस्ट इतना ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या शो कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, हो गया। तो एक क्वेश्चन यहां करो, अब ये जो सारा पढ़े ना, इसका एप्लीकेशन क्या आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ पहचानने में, एसिडिक स्ट्रेंथ टू फाइंड, एसिडिक स्ट्रेंथ टू फाइंड, बेसिक स्ट्रेंथ टू फाइंड, स्टेबिलिटी मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एप्लीकेशन है। बात समझ में आया? ये जो टोटल अभी पढ़े इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारा कुछ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकाल रहे थे जी, एसिडिक स्ट्रेंथ याद है या भूल गए, बोलो कैसे निकाल रहे थे, रिमूव एच प्लस एन एंड चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यही था ना, लो निकालो एसिडिक स्ट्रेंथ, क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे, बोलो आंसर क्या होगा, बोलो जी आंसर क्या होगा, हाँ क्या करोगे, रिमूव करोगे H प्लस आयन, तो ये हम क्वेश्चन में ही कर रहे हैं, यहाँ क्या बनेगा O माइनस, यहाँ क्या बनेगा नेगेटिव, और यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा नेगेटिव, एंड चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, यदि कोई रेजोनेटिंग रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस तो सब जगह हो रहा है बेंजीन रिंग से, स्टेबिलिटी मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ कोई यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिल जाए, है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में यदि कोई माइनस आई शो कर रहा है, माइनस एम शो कर रहा है, बात समझ में आया, क्लियर है ना, तो बताओ यहाँ कोई है क्या ग्रुप जो माइनस एम माइनस आई शो कर रहा, नहीं, यहाँ है, हाँ, यानी कि ये स्टेबल हो रहा है, नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में, ठीक है, यानी कि ए सबसे लास्ट चला गया तुम्हारा, ठीक है, उसके बाद बताओ कौन सा होगा, बी और सी में, ये क्या शो कर रहा है, माइनस आई, और माइनस आई तुम्हारा किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन का, प्लस एम भी शो करता है, लेकिन लेते क्या है, माइनस आई, एंड माइनस आई ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन द क्लोरीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए के बाद, मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, बी, देन उसके बाद सी, देन उसके बाद ए, गलत है, माइनस वन, अभी तुरंत पढ़ा है ना कि फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन द क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन द क्लोरोबेंजीन, यदि तुम करोगे इसका माइनस आई देख के ना कि ये इसका माइनस आई होता है, इसका भी माइनस आई होता है, तो फिर ये गलत होगा, माइनस आई के हिसाब से यदि तुम जाओगे तो तुम्हारा बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन क्या होगा, ए, ए का सबसे कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये गलत है, कैसे करना होगा, क्लोरोबेंजीन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन द क्लोरोबेंजीन, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसको क्या करेगा, आने नहीं देगा, स्टेबलाइज नहीं होने देगा, यानी कि सबसे पहले कौन होगा तुम्हारा सी, देन उसके बाद बी, देन उसके बाद ए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना कि OH के किसी भी पोजीशन पे यदि हम लोग क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करें, मान लो यहाँ भी क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ फ्लोरीन रखते हैं OH, ये बात भी ध्यान में रखना, फ्लोरीन, ठीक है, फिर भी जो है तुम्हारा क्लोरीन ज्यादा स्टेबल होगा, यानी मोर एसिडिक होगा, एसिडिक देन फ्लोरीन, याद रखना ये, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे तुम रखोगे तो। हो गया, ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, समझ लो अच्छे से,
मेसोमेरिक तो समझ गए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यदि तुम्हारा बेंजीन रिंग में दो ग्रुप लगे हुए हैं ठीक है, तो वो दोनों अपना एक साथ मेसोमेरिक इफेक्ट कब शो करेंगे और कब नहीं शो कर पाएंगे। बात समझ में आया? यदि दो ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो दोनों एक साथ मेसोमेरिक कब शो करेगा और कब नहीं शो करेगा, समझ रहा है? पूरा खेल इसी से चलेगा, ध्यान से देख लो, ठीक है? तो उसका तरीका है पहचानने का क्या, ठीक है? क्या पहचानने का तरीका, देखो वहां ऊपर में क्या लगा हुआ है, NO2 क्या शो करता है, NO2 क्या शो करता है, -M। अरे देखो ना, यहीं से देखो ना, -M, और -M के साथ साथ वो शो करता है -IV। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसका, मेसोमेरिक का। तो ये तुम्हारा -M और ये OH क्या शो करता है, +M। समझ में आया? तो दोनों एक साथ अपना इफेक्ट को तब शो करेगा जब यहाँ का लोन पेयर कंप्लीट कंजुगेशन में जाए इसके डबल बॉन्ड तक, ठीक है? नहीं समझे? यदि अरे ये लेगा तभी ना जब इसका लोन पेयर कंजुगेशन में आएगा, समझ में आया? अरे भैया, रेजोनेंस तभी ना होगा जब कंजुगेशन में आएगा, जब ये कंजुगेशन में ही नहीं आएगा तो रेजोनेंस होगा क्या? तो यदि ये दे रहा है और ये ले रहा है, तो यहां से देना और वहां तक लेना ये प्रोसेस तभी कंप्लीट हो पाएगा ना जब वहां से यहां तक कंजुगेशन हो, तो तब हो पाएगा दोनों एक साथ जब इसका लोन पेयर का कंजुगेशन उसके एंड डबल बॉन्ड हो तक हो। चेक करो, डबल सिंगल, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, डबल सिंगल डबल पहुंच गया। इसका मतलब बोथ अपना अपना इफेक्ट शो करेगा, यानी ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा बोलो, +M, और ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, समझ में आया? अब पोजीशन को बदल रहे हैं, पोजीशन को कहां रखें हम यहां पे, ये देखो, अच्छे से देखो इस चीज को, ये आ गया तुम्हारा OH को इस बार हम रख दिए कहां पे, यहां पे, ठीक है? और ये N डबल बॉन्ड O, और ये देखो यही है। अब चेक करो, हो रहा है क्या, डबल सिंगल सिंगल कंजुगेशन है, नहीं। और जब ऐसा आ जाए ना, तो ये देखो NO2 तुम्हारा क्या शो करता है, -M तो शो करता है, साथ ही साथ क्या शो करता है, -I, और OH क्या शो करता है तुम्हारा, +M, और साथ ही साथ क्या शो करता है, -I। तो दोनों एक साथ मेसोमेरिक तो शो नहीं करेगा, लेकिन कोई एक करेगा। यदि ये मेसोमेरिक शो करेगा तो इसको -I करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं कर सकता है। तो यदि ये अपना मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है तो इसको अपना -I करना पड़ेगा, और यदि ये अपना मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है तो इसको अपना -I करना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। समझ में आया? किस पे, एट मेटा पोजीशन, चेक कर लो, ठीक है? और यहां पे ये -M भी शो करेगा और -I भी, ये +M भी शो करेगा और -I भी, क्योंकि इंडक्टिव को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम डबल बॉन्ड रहो चाहे ट्रिपल बॉन्ड रहो, मेरा काम है सिग्मा बॉन्ड से, और पार्शियल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं उसको बस दिक्कत है डिस्टेंस डिपेंडेंट से, ज्यादा दूर हुआ काम खत्म, ठीक है? तो जितना पास रहेगा इंडक्टिव उतना इफेक्टिव होगा। अब बताओ इंडक्टिव जो रहेगा, अच्छा दूसरा एग्जांपल में हम समझाएंगे इंडक्टिव का भी इसमें रोल थोड़ा सा, समझ में आया, ठीक है? अब देखो तीसरा वाला यदि हम यहां देते हैं, ये देखो, ये रहा N डबल बॉन्ड O और ये O और ये रहा OH। अब चेक करो, डबल सिंगल डबल चला गया, तो ये अपना क्या शो करेगा, -M भी शो करेगा, -I भी शो करेगा बोथ, और ये क्या शो करेगा, +M भी शो करेगा और -I भी शो करेगा बोथ। वो अलग बात है कि नेट क्या होगा, नेट जैसे F वाला था ना, तो नेट क्या था उसका, -I। F वाले केस में ही -I नेट है, बाकी सब जगह कौन ग्रेटर रहेगा, +M। यानी बताओ यदि -M और +M की बात रही तो हम कंसिडर क्या करेंगे, +M। बात समझ में आया? कंसिडर क्या करेंगे, +M। बात समझ में आया? लेकिन यदि मेटा पोजीशन पे है तो +M और -I दोनों शो करता है, तब
तो हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, माइनस आई प्लस एम संपला, समझ में आया। और मेजोमेरिक, मेजोमेरिक ऑर्थो पे हो चाहे पैरा पे हो बराबर शो करेगा, बताए ना, ऑर्थो पे हो चाहे पैरा पे वो बराबर शो करेगा, लेकिन इंडक्टिव जी नहीं, यदि ऑर्थो पे है तो ज्यादा शो करेगा क्योंकि नजदीक है, और पैरा पे रहेगा तो कम करेगा क्योंकि दूर है। ठीक है, इसको लिखो, बनाओ और फिर लिखो, थोड़ा जल्दी एक क्वेश्चन करवा देंगे ताकि तुम्हारा दिमाग काम करे। तो फाइनली क्या समझ में आ रहा है, यदि दोनों ग्रुप मेटा पैरा पोजीशन पे हैं तो दोनों काम करेगा, ठीक है, मेटा पोजीशन पे काम नहीं करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे काम करेगा, बस मेटा पे काम नहीं करेगा, ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, यही अपने को लिखना है, हो गया। ठीक है, लिखो, व्हेन बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट, व्हेन बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट एट, व्हेन बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट एट पैरापोजिशन, देन इट शोज मेजोमेरिक इफेक्ट, देन इट शोज मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब देख लो, हम मेजोमेरिक की केवल बात कर रहे हैं, लेकिन यदि वो इंडक्टिव शो करने वाला होगा, जो भी होगा तो इंडक्टिव भी शो करेगा, जैसे यहां पे देखो शो कर रहा है दोनों, लेकिन यहां पे यदि ये शो करेगा तो इसको शो करना पड़ेगा ये, और यदि ये शो करेगा ब्लू वाला शो हो रहा है तो इसको ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, इफ बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन, इफ बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन, देन इफ इफ एनी वन शोज प्लस एम इफेक्ट, ऐसा लिखो, इफ एनी वन शोज मेजोमेरिक इफेक्ट, इफ एनी वन शोज मेजोमेरिक इफेक्ट, देन द अदर ग्रुप कैन नॉट, देन अदर ग्रुप कैन नॉट शो मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो दूसरा वाला शो नहीं करेगा, लेकिन इंडक्टिव सब शो करता है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब लास्ट लिख लो, इफ बोथ ग्रुप्स आर एट ऑर्थो पोजिशन, इफ बोथ ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन, देन इट शोज ठीक है, देन ऐसे लिखो, देन बोथ शोज मेजोमेरिक इफेक्ट, देन बोथ शोज मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, और ध्यान रखना इंडक्टिव इफेक्ट सारे पोजीशन पे शो होगा, समझ में आया, लिख लेना स्टार दे करके नोट में, इंडक्टिव इफेक्ट शोज एट ऑल पोजीशन, सारे पोजीशन पर शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट शोज एट ऑल पोजीशन। ठीक है, दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा, दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा, जाला। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन और समझो इस चीज को, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है जी, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यह है तुम्हारा CH3 MA, यह है तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है, बी है तुम्हारा CH3 और ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे ऑर्थो पे है NO2 ग्रुप। ठीक है, सी है तुम्हारा CH3 ग्रुप
और मेटा पे है तुम्हारा NO2 ग्रुप, और डी में है तुम्हारा CH3 ग्रुप, और पैरा पे है तुम्हारा NO2 ग्रुप। चलो जी समझ लो, देख लो पहले, तुम मत बनाओ अभी। हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या कर रहा है कि CH3 से H निकालेंगे, H निकालने के बाद क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा। अब इस नेगेटिव को स्टेबल करना है, NO2 जो है NO2 वो क्या शो करता है, माइनस एम, और साथ साथ क्या शो करता है, माइनस आई। लेकिन कब, जब वो तुम्हारा दोनों इफेक्ट एक साथ शो करेगा, जब कहां पे रहेगा, दोनों इफेक्ट एक साथ शो करेगा जब ऑर्थो या फिर कहां रहेगा, पैरा पे। लेकिन ये केवल माइनस आई तब शो करेगा जब ये केवल रहेगा मेटा पे। इज दैट क्लियर। तब बताओ अभी यहां पे कौन, यहां तो कोई ग्रुप नहीं है लेकिन बाकी सब जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अनस्टेबल होगा। समझ में आया, बाकी सब जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसको क्या करेगा, स्टेबल एंड मोर एसिडिक, और यहां पे नहीं है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। इसका मतलब ये सबसे क्या होगा, लास्ट में होगा। इज दैट क्लियर। अब देखो यहाँ एनओ टू जो है किस पोजिशन पे है, अरे ये एनओ टू ऑर्थो पे है, तो ऑर्थो पे है तो यहाँ ये क्या शो करेगा, माइनस एम, और साथ ही साथ क्या शो करेगा, माइनस आई। ये बताओ कहां पे है, मेटा पे, तो मेटा पे क्या शो करेगा, माइनस आई। ये बताओ कहां है, पैरा पे, तो क्या शो करेगा, माइनस एम, और क्या शो करेगा, माइनस आई। इज दैट क्लियर। यहां पे माइनस एम भी हो रहा है और माइनस आई भी हो रहा है, दोनों इफेक्ट से खींच ही रहा है, और यहां पे भी दोनों इफेक्ट से खींच रहा है, लेकिन यहां केवल एक इफेक्ट से खींच रहा है। बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहां कम होगा इन तीनों में, सी वाले में, क्योंकि केवल वह इंडक्टिव है, ओनली डिस्टेंस डिपेंडेंट। इज दैट क्लियर। तो ए के बाद तुम्हारा कौन आएगा, सी, मतलब कम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर हम बता रहे हैं, ठीक है। अब बताओ तुम्हारा ये रहा बी, और डी में कौन होगा, बी और डी में सोचो थोड़ा, बताओ आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ। एक का ऑर्थो पे है नाइट्रो, और एक का पैरा पे है नाइट्रो, कौन होगा, और दोनों शो कर रहा, दोनों जगह माइनस एम और माइनस आई, माइनस एम और माइनस आई दोनों जगह। अरे क्या बताए थे, मेजोमेरिक सब जगह बराबर होता है, मेजोमेरिक सब जगह बराबर, तो ऑर्थो पे भी बराबर, एंड मेजोमेरिक इफेक्ट आर इक्वल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इफ ग्रुप्स आर सेम देन। समझ में आया, ये पॉइंट भी मेंशन कर लेना, ठीक है। हम लिख देते हैं यहां पे, इफ ग्रुप्स, ग्रुप आर, ठीक है, ग्रुप इज सेम, ठीक है, सेम, ठीक है, देन, देन क्या हम बोल सकते हैं, बताओ, देन मेजोमेरिक इफेक्ट आर इक्वल, ठीक है, देन मेजोमेरिक इफेक्ट आर इक्वल एट बोथ, ध्यान में रखना, इफ ग्रुप इज सेम, ठीक है, ये दो कंपाउंड का कंपैरिजन के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है, देन इक्वल एट बोथ ऑर्थो एंड पैरा। अब बताओ ऑर्थो और पैरा पे मेजोमेरिक सेम हो गया, तो वहां भी बराबर और पैरा पे भी बराबर, ठीक है, तो बचा कौन डिफरेंस बताने के लिए, इंडक्टिव। बताओ इंडक्टिव कौन ज्यादा शो करेगा, माइनस आई कौन ज्यादा शो करेगा, ऑर्थो वाला या पैरा वाला, ऑर्थो वाला, ड्यू टू डिस्टेंस डिपेंडेंट, एट ऑर्थो पोजिशन इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, ज्यादा शो करेगा ड्यू टू डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो। समझ में आया, तो जितना कहानी तुमको बताएं तुम अपने भाषा में अपने से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, ताकि बाद वाले क्वेश्चन में तुमको मदद करे। तो आंसर बताओ कौन होगा, बोलो, बी, उसके बाद क्या होगा, डी, और सी, ए। ध्यान में रखना क्या क्या मुख्य बात कहे हैं, बोले ये तो समझ में आया, यहाँ दोनों इफेक्ट काम करेगा, यहाँ एक इफेक्ट, यहाँ पे दोनों इफेक्ट, और चूंकि दोनों ग्रुप सेम है तो ऑर्थो और पैरा पे मेजोमेरिक जो है वो बराबर होगा, लेकिन इंडक्टिव डिफरेंट होगा, बिकॉज इंडक्टिव इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। समझ में आया, एंड द आंसर इज BDCA। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।
भेजाम घुस रहा है, पक्का सीट बनाओ, कोशिश करो। अब कल जो है इंडक्टिव, ठीक है, कल जो है इंडक्टिव, ठीक है, साथ ही साथ तुम्हारा ये इंडक्ट मतलब कि माइनस आई प्लस आई, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, प्लस एम का ऑर्डर, माइनस एम का ऑर्डर, हाइपर कॉन्जुगेशन, सब करके आना, क्योंकि अब सब मिला करके होगा कल। यहां पे देखो माइनस आई प्लस आई वाला आया, माइनस एम प्लस एम वाला आया, हाइपर भी आएगा, क्योंकि सी एच थ्री क्या शो करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन है और साथ ही साथ प्लस आई, बुझाया, खोपड़ी में जा रहा है, तो अब सब मिल के आएगा, तो कल याद करके आना, और नहीं तो फिर वही समझ थी, कोई गए हो गए।